हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं भारत के डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट लैंग्वेज यानी भारतीय राज्य और उनकी भाषाओं के बारे में। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें भारतीय भाषाओं की, तो हमारे संविधान में लगभग 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हम यहाँ पर सभी स्टेट के उनके भाषाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर का। तो वहाँ की जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है वो है आपका कश्मीरी, यानी वहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है कश्मीरी। उसी तरह से कुछ और भाषाएं वहाँ पर बोली जाती है, वह आपका डोगरी है और हिंदी है। अगर हम बात करें कश्मीरी भाषा की, तो ये लगभग 67,97,587 लोगों द्वारा बोली जाती है। ये पूरे भारत की बात है, यानी कहीं भी जो कश्मीरी यूज करते हैं लोग भाषा के रूप में, तो लगभग 67 लाख लोग जो है वो कश्मीरी भाषा बोलते हैं। यानी सभी भाषाओं से लगभग 0.56% जो है कश्मीरी भाषा बोली जाती है हमारे देश में। उस तरह से आगे देखते हैं, अगला है हमारा हिमाचल प्रदेश। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आपका हिंदी, यानी वहाँ की जो राजभाषा है वो आपका हिंदी है, यानी हिंदी वहाँ के सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। उसी तरह से कुछ और वहाँ पर भाषा यूज की जाती है, जैसे आपका पंजाबी हो गया और नेपाली हो गया, ठीक है। जैसे कुछ और राज्य से जैसे आके लोग वहाँ बस जाते हैं तो अपनी भाषा जो वहाँ पर यूज करते हैं, तो उस तरह से पंजाबी और नेपाली वहाँ पर भी बोली जाती है। अगर हम बात करें हिंदी भाषा की, तो ये हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, जो लगभग 43% लोग इसको बोलते हैं, यानी लगभग 52 करोड़ जो है लोग पूरे भारत भर में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं पंजाब स्टेट का। तो वहाँ की जो राजकीय भाषा है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है आपका पंजाबी, यानी पंजाबी वहाँ के सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। उसी तरह से हिंदी भी वहाँ पर लोग अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। हम बात करें पंजाबी भाषा की, तो ये हमारे पूरे देश में लगभग लोग जो है पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला स्टेट देखते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपका हिंदी ही है, यानी हिंदी वहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है। उसी तरह से और कुछ भाषाएं बोली जाती है, जैसे उर्दू हो गया, ओके, पंजाबी हो गया और नेपाली, ये भाषा भी वहाँ पर प्रयोग की जाती है। अगला देखते हैं हरियाणा। तो हरियाणा में भी जो है आपका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपका हिंदी है, और वहाँ पर जो और कुछ भाषाएं बोली जाती है वो आपका पंजाबी हो गया और उर्दू हो गया। उस तरह से अगला स्टेट देखते हैं दिल्ली। तो दिल्ली जो है वहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है आपका हिंदी ही है, और उसमें और कुछ भाषाएं जो मान लो कोई दूसरे राज्य से लोग वहाँ पर आके बस जाते हैं तो अपने भाषा वहाँ पर प्रयोग करते हैं, जैसे पंजाबी हो गया, उर्दू हो गया, बंगाली हो गया, ये वहाँ पर बोली जाती है। उस तरह से अगला स्टेट देखे हुआ है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है आपका हिंदी, यानी हिंदी सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं वहाँ पर, और उर्दू जो है वो भी वहाँ पर बोला जाता है। अगला देखते हैं बिहार। तो बिहार में भी जो है आपका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी ही है, लेकिन वहाँ पर कुछ और भाषाएँ बोली जाती है, जैसे मैथिली एंड उर्दू। वहाँ पर भोजपुरी भाषा भी बोली जाती है, लेकिन वो वहाँ पर एक लोकल लैंग्वेज है, यानी वो एक बोली है जो वहाँ के लोकल जो पर्सन है वो उनके द्वारा बोली जाती है। हम यहाँ पर जितने भी भाषाओं के बारे में बात कर रहे हैं उनको संविधान में दर्जा दिया गया है एक भाषा के रूप में, जो टोटल 22 भाषाएं हैं उनको, नहीं तो जो लोकल लैंग्वेज है जो वहाँ पर राज्य के लोग द्वारा बोले जाते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। अगला देखते हैं झारखंड। तो झारखंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो आपका हिंदी ही है, वहाँ पर जो आदिवासी समाज है उनके द्वारा जो है आपका संथाली या बंगाली एंड उर्दू जो है वो भी प्रयोग की जाती है। अगला देखते हैं वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो आपका है बंगाली, यानी बंगाली वहाँ की प्रमुख भाषा है। उस तरह से वहाँ पर हिंदी भी बोली जाती है, संथाली भी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है और नेपाली भी बोली जाती है। अगला देखते हैं तो असम में जो है वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो आपका असमिया है, असमिया जो भाषा है वहाँ की प्रमुख भाषा है। उसी तरह से वहाँ पर बंगाली भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है, बोडो और नेपाली ये भी वहाँ पर बोली जाती है। उस तरह अगर सिक्किम को देखें, सिक्किम राज्य वहाँ की जो राजकीय भाषा है, यानी ज़्यादातर लोग बोलते हैं नेपाली, ओके, क्योंकि सिक्किम जो है आपका नेपाल देश से सटा हुआ है, तो ज़्यादातर वहाँ पर नेपाली भाषा प्रयोग की जाती है। वहाँ पर हिंदी और बंगाली भी यूज किया जाता है। अगर बात करें हम अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है बंगाली, यानी बंगाली वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है।
और वहीं अगर बात करें बंगाली भाषा की जो पूरे देश में, तो ये लगभग आपका 9 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है, यानी 8% लोग जो है पूरे भारत भर में वो आपका बंगाली भाषा प्रयोग करते हैं अलग अलग राज्यों में। अगला देखते हैं नागालैंड। तो नागालैंड में भी आपका बंगाली भाषा प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर हिंदी और नेपाली भी बोली जाती है। उस तरह से जो मिजोरम है, मिजोरम में भी आपका बंगाली भाषा बोली जाती है और साथ में आपका नेपाली और हिंदी भी बोली जाती है। अगला मणिपुर को देखते हैं। तो मणिपुर की जो राजकीय भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो आपका मणिपुरी, यानी मणिपुरी वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं। वहाँ पर नेपाली भी बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है और बंगाली बोला जाता है। अगला ओडिशा। तो ओडिशा में जो है ओडिया, उड़िया जो भाषा है उसकी राजकीय भाषा उड़ीसा की, वहाँ पर उड़िया जो भाषा सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं। वहाँ पर हिंदी भी बोलते हैं लोग, तेलुगु भी बोलते हैं और संथाली भी बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें उड़िया भाषा की, तो उड़िया भाषा जो भारत में लगभग 3 करोड़ लोग बोलते हैं, 3 करोड़ लोग जो है उड़िया भाषा का यूज करते हैं। उस तरह से अगला देखते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो है आपका मराठी जो है वहाँ की राजकीय भाषा, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है, वहाँ पर मराठी सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं। उस तरह वहाँ पर हिंदी भी बोला जाता है, उर्दू भी और गुजराती भी। वहीं अगर हम बात करें मराठी भाषा की, तो ये लगभग 8 करोड़ लोग द्वारा पूरे भारत देश में बोली जाती है, लगभग 8 करोड़ लोग मराठी भाषा बोलते हैं। उस तरह से अगर गुजरात की बात करें, तो वहाँ पर जो गुजराती है वहाँ की राजकीय भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी गुजराती सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर बोलते हैं। वहाँ पर हिंदी भी बोलते हैं लोग, सिंधी भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं और उर्दू भी बोलते हैं। वहीं अगर गुजराती की बात करें, तो ये लगभग 5 करोड़ लोग द्वारा बोली जाती है। ये भारत की 7वीं सबसे बड़ी भाषा है, जो लगभग 5 करोड़ लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगला देते हैं दमन एंड दीव, जो एक आपका यूनियन टेरिटरी है, यानी आपका केंद्र शासित राज्य है, वहाँ पर भी जो गुजराती है वो भाषा बोली जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। उस तरह से एक और केंद्र शासित राज्य की बात करें, दादर एंड नगर हवेली की, तो वहाँ पर भी गुजराती भाषा जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगर बात करें हम गोवा की, तो वहाँ पर आपकी कोंकणी, यानी कोंकणी वहाँ की एक भाषा है जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है। वहाँ पर मराठी भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है और कन्नड़ भी बोली जाती है। वहीं अगर हम बात करें केरला स्टेट की, केरल स्टेट की, तो वहाँ पर मलयालम जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। वहाँ पर और कोई भाषा जो है यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ मलयालम वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। वहीं अगर हम बात करें मलयालम भाषा की, तो ये भारत की 9वीं सबसे बड़ी भाषा है, जो लगभग 3 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है मलयालम भाषा, जो आपका संस्कृत से मिलता जुलता एक लैंग्वेज है। ओके अगला आपका लक्षद्वीप आइलैंड जो है आपका, जो एक केंद्र शासित राज्य है, वहाँ पर भी मलयालम बोली जाती है। ओके उस तरह से आपका तमिलनाडु है, वहाँ पर आपका तमिल भाषा बोली जाती है, वहाँ पर तेलुगु भी बोला जाता है, कन्नड़ भी बोला जाता है और उर्दू भी बोला जाता है। अगर हम बात करें तमिल भाषा की, तो यह भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी भाषा है, ये लगभग 6 करोड़ लोगों द्वारा पूरे भारत देश में बोली जाती है। अगर अगला हम बात करें स्टेट का, वो हमारा पुडुचेरी, जो पुडुचेरी है वहाँ पर भी आपका तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो लगभग 6 करोड़ लोग पूरे भारत देश में बोलते हैं। यहाँ पर जो तेलुगु है वो भारत देश की 3री सबसे बड़ी भाषा है, जो लगभग 8 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है और ये लैंग्वेज आपका आंध्र प्रदेश में प्रयोग किया जाता है, तेलुगु भाषा। तो ये थे आपके भारत के सभी राज्यों की राजकीय भाषा और वहाँ पर कुछ और बोली जाने वाली भाषाएं। यहाँ पर हमने ये भी देखा कि कितने लोग उस भाषाओं का प्रयोग करते हैं। आई होप आप इस भाषाओं को समझ पाए होंगे और आप इसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखेंगे और याद करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और डिफरेंट टॉपिक के साथ।